महंगी गैस, महंगा तेल, बंद करो ये लूट का खेल। मई से लेकर अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम 23 बार बढ़े हैं, तब जाकर पेट्रोल 100 के पार पहुंचा है। और पूछ रहा है भारत आज उस पार्टी से, पूछ रहा है भारत आज उस राजनीतिक दल से, पूछ रहा है भारत आज उस संगठन से। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें। जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, मगर बीजेपी वाले इतना महंगा क्यों कर रहे हैं, डेली जो है बढ़ा रहे हैं, और जब वहां से घट रहा है तो यहां पेट्रोल वाले क्यों नहीं घटा रहे हैं, ये सारी कमियां आ रही हैं। तो दाम बढ़ाने के आड़ में आम आदमी पर जिस तरह का बोझ सरकार डाल रही है, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी की बात करने का। देश में पहले पेट्रोल ने शतक लगाया और अब कुछ जगहों पर डीजल भी 100 रुपए प्रति लीटर से पार हो गया है। इसी से साफ हो जाता है कि देश में महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। हमारा मीडिया अपने देश की तुलना ज्यादातर पाकिस्तान से करता है, तो ये देखिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कैसे अपने देश में महंगाई ना बढ़े इसके लिए पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए हैं। उसके बाद हमने पूरी कोशिश की है कि लोगों के ऊपर कम से कम बोझ इन मुश्किल दिनों में पड़े। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने पेट्रोल और डीजल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बर्रे सगीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने एक महीने के अंदर 30 रुपये हमने पेट्रोल की कीमत कम की है। पहले हमने 15 रुपये कम की थी, अब फिर हमने 15 रुपये पेट्रोल की कीमत कम की है। तो एक महीने में 30 रुपये सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम की है। डीजल की कीमत पहले हमने 15 रुपये कम की थी, अब 27 रुपये हमने कम की है। तो पूरी 42 रुपये डीजल की कीमत कम की है। याद रखेंगे डीजल वो फ्यूल है जो इस्तेमाल करते हैं जो हमारे ये किसान, अब कटाई का वक्त है गंदम की कटाई का, तो किसान भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट में ये इस्तेमाल होते हैं, इसका असर सारी जगह पे जाता है। तो जब 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है तो मैं आज सारे चीफ सेक्रेटरीज को मैसेज पहुंचाई है कि आप अब सारे अब इसका फ़ायदा उठाते हुए बाकी लोगों को भी कहें, जो भी काम मसद फ्लावर मिल्स हैं, जो भी डीजल को इस्तेमाल करते हैं, सबकी आप जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी कीमतें कम करें, क्योंकि जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो सारी कीमतें बढ़ा देते हैं। अब अगर 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है तो इसका मतलब सारी चीज़ों की अब कीमतों को नीचे आना चाहिए और आम लोगों की आसानी होनी चाहिए। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे? ये सवाल मेनस्ट्रीम मीडिया को पूछना चाहिए, जो पाकिस्तान में क्या चल रहा है इस पर ज़्यादा फिक्र करता रहता है। हमारे देश में पेट्रोल डीजल के क्या दाम हैं इसके बारे में आप वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को सुनिए। वे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर सरकार से सवाल कर रहे हैं। मई से लेकर अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम 23 बार बढ़े हैं, तब जाकर पेट्रोल 100 के पार पहुंचा है। ये वाला डेटा तो जरूर ही अकल्पनीय और अभूतपूर्व होगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट के लोग 106.25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं, भोपाल और इंदौर के 104 रुपए लीटर दे रहे हैं। ज्ञात जानकारी के अनुसार देश में सबसे महंगा पेट्रोल खरीदने के लिए बालाघाट, भोपाल और इंदौर के लोगों को विशेष बधाई भेजी जानी चाहिए। तीसरे नंबर पर औरंगाबाद है, जहां लोग 103 रुपए लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं। चौथे नंबर पर कई शहर हैं जहां 102 रुपए लीटर मिल रहा है, जैसे नासिक, कोल्हापुर, मुंबई, जयपुर, नागपुर और पुणे में 101 रुपए लीटर मिल रहा है। हमने उन शहरों का नाम छोड़ दिया है जहां के लोग 100 रुपए लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस महंगाई पर है। अकेले पेट्रोल डीजल ही नहीं, अन्य चीजें भी महंगी हो गई हैं, जैसे खाना बनाने वाला तेल, फल, दालें। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है, क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले का फायदा देश भर के किसानों को होने वाला है, जो तिलहन में काम करते हैं, सरसों में काम करते हैं, और लेकिन जो भी भाव बढ़ेंगे उन पर सरकार की निश्चित रूप से पूरी नजर है।
ऊपर से जब भाजपा नेता ब्रजमोहन अग्रवाल से इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो खाना छोड़ दीजिए। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। एक तरफ जनता कोरोना महामारी से परेशान है तो दूसरी तरफ नेताओं के ऐसे बयानों से। जब भाजपा विपक्ष में थी तो पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ने पर प्रोटेस्ट किया करती थी। तो दिल्ली के अक्षरधाम से बीजेपी ने दिल्ली में चक्का जाम की शुरुआत की। भाजपा के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर सरकार पर उंगली उठाया करते थे। सरकार की आर्थिक नीति पूरी तरह से विफल रही। पहले ये दावा करती रही कि तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है, सरकार तेल कंपनियों की फिक्र में दुबली हो रही है और आम आदमी से कोई लेना देना इस सरकार को नहीं। सरकार को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे सरकार दाम बढ़ाने के पर एक्साइज ड्यूटी में मुनाफा भी कमाती, तो दाम बढ़ाने की आड़ में आम आदमी पर जिस तरह का बोझ सरकार डाल रही है, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी की बात करने का। जिस तरह से ये सरकार महंगाई माफियाओं के हाथों में खेल रही है, इस सरकार की नीतियां महंगाई माफिया और तेल माफिया तय कर रहे हैं, उसका नतीजा है कि रिकॉर्ड खाद्यान्नों के उत्पादन के बावजूद जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, क्रूड ऑयल के दुनिया में दाम घट रहे हैं, भारत में हर दिन दाम बढ़ाए जा रहे हैं, 150,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रति वर्ष आम लोगों से, गरीबों से टैक्स वसूल किया जा रहा है, उसके बावजूद भी ये सरकार पेट्रोल के दाम घटाने को तैयार नहीं है, महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही। अब वे नेता कहाँ हैं और अब वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार से वही सवाल क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस ने भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। तेल का तेल बंद करो, बंद करो, बंद करो, तेल का तेल बंद करो, बंद करो, बंद करो, खड़े तेल के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। महंगी गैस महंगा तेल, बंद करो ये लूट का खेल, इस नारे के साथ कांग्रेस के साथियों ने आज ये आंदोलन किया। प्रतीकात्मक तरीके से बैल के साथ ट्रैक्टर को खींचकर ये संदेश देने का भी प्रयास किया कि हरियाणा और देश के अंदर अब किसान और आम जनमानस की जिंदगी बची नहीं है। अगर आप ये देखें तो पिछले 13 महीने में ही पेट्रोल की कीमतों में 26.25 रुपया प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 24.25 रुपया प्रति लीटर की वृद्धि मोदी और खट्टर सरकारों ने की है। अब जनता की राय भी जान लेते हैं कि महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर वे कितने परेशान हैं। कुछ पत्रकारों ने ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग की और कुछ लोगों से बात की। हमारे पास है ही नहीं, हम तो जैसे जैसे बस काम चला रहे हैं, बस महंगाई बढ़ रही है, हर चीज महंगा हो गया है। कुछ भी चीज खरीदने जाओ तो उसके रेट, अभी आप सरसों का तेल खरीदेंगे, सरसों का तेल 200 रुपये किलो पहुँच गया है, तो हर चीज़ महंगी होती जा रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है। मेन वजह तो मेरे को पेट्रोल और डीजल ही लग रहा है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। सर हम लोग धनवान नहीं हैं, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, मेट्रो हॉस्पिटल में ड्यूटी करता हूँ, पंडिताई करता हूँ, और पेट्रोल बहुत महंगा जा रहा है, ये गलत हो रहा है, बीजेपी अब चली जाएगी, क्योंकि इतना महंगा पेट्रोल कहीं नहीं था, ये चीज़ गलत है। जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, मगर बीजेपी वाले इतना महंगा क्यों कर रहे हैं, डेली जो है बढ़ा रहे हैं, और जब वहाँ से घट रहा है तो यहाँ पेट्रोल वाले क्यों नहीं घटा रहे हैं, ये सारी कमियां आ रही हैं। इतना महंगा पेट्रोल पहली बार
कमाई इतनी है नहीं, कहाँ 60 रुपये लीटर था और आज 100 रुपये लीटर पहुँच गया है पेट्रोल, हमें बहुत दुख हो रहा है। तो इसके अंदर अगर जैसे जैसे रेट बढ़ते जाएंगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें, वैसे हालांकि 2-3 रुपये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर हर चीज़ पे पैसे बढ़े तो वो बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो उससे आम लोगों की जेब पे तो असर पड़ेगा ही, तो इससे लोग परेशान भी हो रहे हैं। और मेरा कम से कम भी तो 1.5 लीटर पेट्रोल रोज का लगता है, डेली का 1.5 लीटर पेट्रोल रोज का लगता है। इसके हिसाब से मतलब पेट्रोल ही नहीं, और भी चीज़ें हैं जिसमें बढ़े हैं, दालों के रेट बढ़ गए, ये बढ़ गया वो बढ़ गया, उसके कारण तो बजट तो वही हो गया, इनकम बढ़ नहीं रही, इनकम घट रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मीडिया अगर बढ़ती महंगाई पर अब सवाल नहीं करेगा तो कब करेगा? जितना जरूरी विपक्ष से सवाल करना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी बढ़ती महंगाई पर सवाल करना है, लेकिन मीडिया ऐसा करता दिखाई नहीं दे रहा। देखते हैं वे किन मुद्दों पर डिबेट कर रहा है। कि आखिर कांग्रेस के साथ पीढ़ियों से जुड़े हुए लोग इस सोच से दूर क्यों चले गए हैं? क्या कांग्रेस वाली पुरानी सोच अब बहुत ज्यादा बदल चुकी है? और पूछ रहा है भारत आज उस पार्टी से, पूछ रहा है भारत आज उस राजनीतिक दल से, पूछ रहा है भारत आज उस संगठन से कि भारत की राजनीतिक गद्दी यानी उनकी, उनका हक जनता को कुछ नहीं, लेकिन वो जब चाहे जो चाहे जैसा कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए कुछ कदम उठाएगी ताकि जनता को कुछ राहत मिल सके। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।